आदित्यनाथ से कुछ ऐसे मिले अंबानी, न अकड़ न भौकाल, महंत योगी को दिया पूरा सम्मान। उद्योगपति अंबानी की सादगी देख सब रह गए हैरान। यही तो है भगवाधारी योगी और भगवा का भौकाल। गुंडे माफियाओं और बदमाशों पर लगाम लगाकर यूपी की जनता को सुरक्षा की गारंटी देने का काम करने वाली योगी सरकार अब अपने राज्य में निवेश लाने के लिए भी इन दिनों जी तोड़ मेहनत कर रही है, जिसके लिए इसी साल फरवरी में इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया गया है। और इसी समिट में निवेशकों को बुलाने के लिए खुद भाग दौड़ में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के दौरे पर गए हुए हैं, जहां उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी से भी मुलाकात की है, जिसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। क्योंकि अरबों के मालिक होने के बावजूद जिस सादगी के साथ मुकेश अंबानी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उसने लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने यहाँ उद्योग लाने के लिए जोर शोर से जुटी है। इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर गए हुए हैं, जहाँ वो लगातार उद्योग जगत के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी दौरान गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी से मुलाकात की है। दोनों के बीच ये मुलाकात ताज होटल में हुई है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के दौरान मुकेश अंबानी को उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रण दिया है। तो वहीं मुकेश अंबानी ने भी सीएम योगी को बुके देकर उनका स्वागत किया है, जिसके बाद इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। क्योंकि इस तस्वीर में एक तरफ जहां भगवा वस्त्र धारण किए सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरबों के मालिक मुकेश अंबानी बैठे हुए हैं, वो भी बड़े ही सादगी भरे अंदाज में। भारत की सबसे अमीर हस्तियों में से एक होने के बावजूद उनके हाव भाव में ना तो कोई अकड़ नजर आई और ना ही कोई भौकाल। एक आलीशान आरामदायक कुर्सी के किनारे पर बड़ी ही सहजता के साथ मुकेश अंबानी बैठे नजर आए, जिसे देखकर लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री योगी से तो मिल ही रहे हैं, इसके साथ ही महंत योगी आदित्यनाथ को सम्मान भी दे रहे हैं। क्योंकि सीएम होने के साथ साथ भगवाधारी योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं, शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर ने तो लिखा, अंबानी के बैठने का तरीका बता रहा है कि योगी के पद से ज्यादा भगवा का सम्मान करते हैं। सुमित नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि जिस तरह से मुकेश अंबानी बैठे हैं, वो उनकी सादगी बता रही है। मोहम्मद वारिस नाम के एक यूजर ने लिखा, ये मुकेश अंबानी झुके झुके आधे सोफे पर क्यों बैठे हैं। सुचित नाम के एक यूजर ने लिखा कि मैं इन दोनों में से किसी का फैन नहीं हूँ, लेकिन ये देखना सराहनीय है कि वैश्विक अरबपति होने के बावजूद भी अंबानी इतने विनम्र और साधारण हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि महाराज जी के तेवर ही कुछ अलग है, राजा हो या रंक, सभी को एक जैसा व्यवहार सम्मान। एक सन्यासी के आगे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एक आदमी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, बाबा के लिए रिस्पेक्ट अपने आप ही आ जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ और उद्योगपति मुकेश अंबानी की इस मुलाकात को देखकर सोशल मीडिया पर लोग कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और उद्योगपति मुकेश अंबानी की यह मुलाकात यूपी में निवेश के सिलसिले में हुई थी। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फरवरी में यूपी में होने वाले इन्वेस्टर समिट में आने का भी न्योता दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला से भी मुलाकात की है और उनसे भी निवेश के मुद्दे पर चर्चा की है। बहरहाल मुंबई दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें कार्य किया जा सकता है। इन सभी क्षेत्रों में जो अपार संभावनाएं हैं, उत्तर प्रदेश ने MSME की अपनी पॉलिसी बनाई है। 1000 दिनों तक आपको कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं, आप अपना निवेश करिए, सीधे जाइए निवेश करिए, अपना आपने एक एप्लीकेशन दे दिया, निवेश करिए। 1000 दिनों तक ये प्रक्रिया अपनी चलती रहेगी, तब तक आप अपना निवेश भी करिए, प्रोडक्शन भी शुरू करिए, सरकार की इंसेंटिव भी लीजिए, सब कुछ करिए, और उसमें 1000 दिनों तक अपनी प्रक्रिया अपने आप ऑटोमोड पर आगे बढ़ती रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत सारी चीजें वहां पर हुई हैं, और इन क्षेत्रों में जो हमारी 21 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, मैं यूपी डायस्पोरा से जुड़े हुए पदाधिकारियों से कहूंगा कि वो सभी सदस्यों तक अगर उसको पहुंचवा दें, या वो उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आप देख सकते हैं और उसका लाभ लें। उत्तर प्रदेश आज के दिन पर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य है,
और इसी को ध्यान में रखकर के हम लोगों ने जो 8 टीमें भेजी थी, मैंने अपने वरिष्ठ मंत्रियों की 8 टीमें भेजी थी दुनिया के देशों में, जिन लोगों ने 16 देशों की 21 शहरों को कवर किया था, एक सप्ताह का कार्यक्रम था। और इस जब ये लोग दुनिया के विभिन्न देशों में गए, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था दुनिया के अंदर, लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उसको पॉजिटिव वे में लिया। और मैं चाहूंगा इस समय हमारे 8 सिटी में हमारे ये रोड शोज देश के अंदर होने जा रहे हैं, जिसमें आज मुंबई से मैं शुरू कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, हम लोग यहां पे अभी जो यहां पर अजीत यादव जी कह रहे थे टेक्सटाइल उद्योग के बारे में, हम तो अब वहां पे फ्लैटेड फैक्ट्रीज के भी हम कॉन्सेप्ट को लेकर के आ चुके हैं। 4 सिटी में हम बना रहे हैं, अन्य जगह के प्रस्ताव आएंगे, हम वहां पे भी उस प्रकार की सुविधा देंगे। उत्तर प्रदेश में किस सेक्टर में संभावनाएं हैं? डेयरी सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं, फार्मा के क्षेत्र में है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है, न्यू सिटीज के लिए हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, नई सिटी के निर्माण के लिए भी हम लोग इन सभी कार्यक्रमों, कहीं भी नई सिटी के निर्माण के लिए सरकार उसमें सहयोग देने के लिए है, नई उसमें हम हर प्रकार से तमाम अन्य सेक्टर्स में भी हम सहयोग करने को तैयार हैं। और 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज को भी अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है कि आप सभी उसमें थोड़ी भी रुचि ले लेंगे तो उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा पाएंगे। और उत्तर प्रदेश ने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप यह तय किया है कि भारत देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, आज भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को 2 अवसर ऐसे प्राप्त हुए हैं जो वास्तव में अमृत महोत्सव के इस आयोजन को और भी प्रफुल्लित बना देते हैं। खासतौर पर एक, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था उसे पछाड़ करके भारत पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बना है। दूसरा, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 के देशों का नेतृत्व कर रहा है। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिन 20 बड़े देशों में दुनिया की 60% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 75% ट्रेड पर अधिकार है, जिनका दुनिया के 85% GDP पर अधिकार है, और जिनका दुनिया के 90% पेटेंट पर भी अधिकार है। उन 20 G20 के देशों का नेतृत्व भारत करेगा, और उस अवसर पर हमारे लिए भी अपने राज्य से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो अवसर है हम भी उससे वंचित नहीं होंगे। इस विश्वास के साथ मैं यूपी डायस्पोरा से जुड़े हुए आप सभी सम्मानित सदस्यों को आमंत्रित करूंगा कि उत्तर प्रदेश ने वैश्विक व्यापारिक समुदाय को उत्तर प्रदेश के अंदर आमंत्रित किया है, तो उत्तर प्रदेश तो आपका अपना है, तो आपको आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आप तो स्वयं ही इस आयोजन के आयोजक हैं, और उस आयोजक बनकर के आप सभी इस व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। इसलिए आज ये पहली संवाद आपके साथ ही मैंने प्रारंभ किया है। मैं एक बार फिर से यूपी डायस्पोरा से जुड़े हुए अपने सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और जो भी आपके प्रस्ताव आएंगे हम उसका स्वागत करेंगे। और उत्तर प्रदेश को हम इस बारे में कह सकते हैं कि अगले 5 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ाने में हम सब अपना योगदान मिलकर के देंगे तो उसका परिणाम भी हमारे सामने बेहतरीन तरीके से आएगा, और परिणाम अवश्य आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, आप सबको आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद।